तो हमारे बच्चे स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, बहुत अच्छे मेधावी हों, उनके जीवन में इंटेलिजेंसी हमेशा रहे, आईक्यू उनका बहुत अच्छा रहे, समाज का काम अच्छा करें, तो उसके लिए क्या करें? इसके लिए छोटे छोटे कुछ मैं उपाय बताता हूं, आप जरूर उनका अपने जीवन में उपयोग करें। सबसे पहला उपाय है किसी भी आई को और किसी भी बाप को माने पिता को, आई को और पिता को, दोनों को अपने जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। अब भी अगर उनको बच्चे स्वस्थ तंदुरुस्त तेजस्वी तपस्वी संस्कारी और समाज का काम करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए तो उन बच्चों को पैदा करने से पहले उसका नियोजन करना पड़ेगा। बिना नियोजन के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दाऊद इब्राहिम होते हैं। ये मेरा 15 साल का डॉक्टरी के पेशे का अनुभव है, तजुर्बा है। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको अपने बच्चों से त्रास है और वो बच्चे इतने त्रासवादी हैं, आई बड़ी को पीटते, आई कुछ बोले उसको मारते, बड़ी कुछ बोले उसको मारते, आई बड़ी के कंट्रोल में नहीं रहते। जब उन बच्चों के बारे में मैं पूरी हिस्ट्री लेता हूँ तो अंत में जाके पता चलता है कि वो बिना नियोजन के उत्पन्न हुए, बाई एक्सीडेंट। हाँ, तो मेरा आप सभी को ये विनम्र निवेदन है कि जिनको अपने बच्चे तेजस्वी तपस्वी संस्कारी समाजकर्मी राष्ट्रवादी धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले आई बड़ी की सेवा करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए तो उसके लिए नियोजन करना पड़ेगा। बिना नियोजन के वो बच्चे नहीं होते। सबसे पहला फैसला आपको ये करना पड़ेगा। जैसे आप बहुत सारे काम के लिए नियोजन करते हैं, घर बांधने के लिए नियोजन करते हैं, कैसे करते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं, जितनी पगार है उसमें से पैसा काट काट के बचा बचा के घर बांधने का नियोजन हमारा होता है। ऐसे ही हम नौकरी के लिए बहुत सारे नियोजन करते हैं, तो ऐसा ही नियोजन आपको करना, ठीक है। अब नियोजन क्या करना, नियोजन करना है, ये पहली बात ध्यान रखिए। बिना नियोजन के बच्चे होंगे तो मैंने आपको बताया वो संस्कारी हो नहीं सकते। और आज के समय में दुख और दुर्दय की स्थिति ऐसी ही है कि ज्यादा बच्चे बिना नियोजन के ही हो रहे हैं। इसलिए आई बड़ी भी परेशान है, समाज उनसे परेशान है, देश भी उनसे परेशान है। ये त्रासवादी आतंकवादी देशद्रोही ये सब हमारे ही अपने बीच के बच्चे हैं, लेकिन ये कैसे त्रासवादी हो गए, कैसे देशद्रोही हो गए, बिना नियोजन के होने के कारण। तो नियोजन करना पड़ेगा। अब नियोजन में क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला नियोजन, संस्कारी बच्चा अगर चाहिए, प्रतापी बच्चा चाहिए, आपको समाज कर्मी चाहिए, धर्मनिष्ठ चाहिए, राष्ट्र प्रेमी बच्चा चाहिए, तो सबसे पहला नियोजन संयम पालना पड़ेगा। ये सबसे पहला नियोजन, बिना संयम के अच्छे बच्चे नहीं हो सकते, तो संयम आपको अपने जीवन में रखना पड़ेगा। और वो संयम रखने का तरीका क्या है, संयम रखने का बहुत सरल तरीका है, ज्यादा समय ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य संयम पालने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे आसान तरीका ये ब्रह्मचर्य का पालन करना। अभी मेरा जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का अभ्यास है, विज्ञान का जो अभ्यास है, उस अभ्यास के हिसाब से मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। इस जानकारी को आप गंभीरता से सुने, स्वीकार करें। स्त्री के लिए संयम पालना बहुत आसान है, पुरुष के लिए नहीं। माने जा है ब्रह्मचर्य का पालन किसी स्त्री को करना हो तो वो बहुत आसानी से कर सकती है, पुरुष के लिए ये संभव नहीं होता। क्यों? इसलिए
कि ईश्वर ने स्त्री का शरीर ऐसा बनाया है जो पुरुष से ज्यादा अच्छा है क्वालिटी में। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो स्त्री शरीर में ही हैं, पुरुष शरीर में नहीं है, और वही हार्मोन्स स्त्री को ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद करते हैं। तो स्त्री को ब्रह्मचर्य पालना अगर करनी है तो वो उसके लिए बहुत सहज है, सरल है, बहुत आसान है। जैसे हमारे जीवन के बहुत सारे काम हम सहजता से और आसानी से करते हैं, वैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन और संयम का पालन किसी भी स्त्री को बहुत आसान है। पुरुष को उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, स्त्री वो बिना प्रयास के ही कर सकती है। तो मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो सब भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि अगर अच्छी संतान चाहिए, तेजस्वी तपस्वी संस्कारी संतान चाहिए, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप अपने जीवन का थोड़ा ऐसा नियोजन करो जिसमें ज्यादा आपको स्त्री के साथ संसर्ग ना करना पड़े। साल में एक या दो बार करें तो सबसे अच्छा, नहीं तो महीने में सिर्फ एक बार, ऐसा आपको अपने जीवन में कुछ नियम बनाना पड़े। इस नियम का पालन करने के लिए संकल्प चाहिए। संकल्प के लिए आपको एक औषधि की मदद लगेगी, तो वो आप याद रखिए, वो औषधि है आल का रस। आल अदरक, तो अदरक का टुकड़ा अगर मुंह में रख के चूसते रहें तो ये हमारे संकल्प को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। किसी भी तरह का संकल्प हो, ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प हो, व्यसन मुक्ति का संकल्प हो, पैसे के पीछे नहीं भागने का संकल्प हो, अपने जीवन में साधारण तरीके से रहने का संकल्प हो, ये सभी संकल्पों में मदद करता है। तो हमें अच्छी संतान के लिए संयम का पालन ब्रह्मचर्य की मदद से करना है और कोशिश करनी है कि साल में एक या दो बार, नहीं तो महीने में ज्यादा से ज्यादा एक बार, ये आपको करना है पुरुषों को। स्त्रियों के लिए ये सहज है, सरल है, क्योंकि भगवान ने उनको कुछ ज्यादा गुण दिए हैं, उनमें से एक गुण ये है। अब ये गुण होने का एक ही कारण है, मैंने बताया कि उनके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो पुरुष के शरीर में नहीं। अब उन हार्मोन्स का नाम लेके कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता, बस आपको समझाने के लिए। तो आपको बच्चों का नियोजन करना है और नियोजन इस तरीके से करना है, पहला कदम उस नियोजन का संकल्प करना, ब्रह्मचर्य का।